हेलो हाय आदाब नमस्कार हमारे साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रेरणा पोर्टल पर पुस्तक वितरण का DCF कैसे भरें, अर्थात प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तकें आप वितरित कर चुके हैं उसको हमें प्रेरणा पोर्टल पर फिलअप करना होगा। स्कूल वाइज नहीं, स्टूडेंट वाइज हमको ये डाटा भरना होगा। तो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे prerna.up.in, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते हुए जो भी उसकी पूर्ति होगी उसकी पूर्ति करते हुए इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। और इस प्रकार के इंटरफेस को प्राप्त करने के लिए आप अपने मोबाइल को लैंड साइड में करना होगा, तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेशन 2023-24 को जाएंगे और इसको आप क्लिक कर देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, यूडाइस कोड, सेशन, ब्लॉक, टाउन, स्कूल, स्कूल कैटेगरी, ये कॉलम आपको ऑलरेडी फिलअप प्राप्त होंगे। आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको देखेंगे शो, तो यहाँ जितने बच्चों की आपने एंट्री की है, नामांकित किए हुए हैं, यहाँ उनकी दिखाई देगी एंट्री। और यहाँ पर आप जिस बच्चे का भी पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं उसको यहाँ SR अथवा उसके नाम लिखकर के सर्च कर सकते हैं और उस बच्चे का नाम सबसे ऊपर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो हम और यहाँ चलते हैं, हम ये बच्चा है हमारा क्लास 7th पा जाते हैं, और इस क्लास 7th के सामने से आप स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ और यहाँ पर आपको एक्शन ऑप्शन के अंतर्गत बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित हो रहा होगा, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको SR, बुक नेम, बुक टाइप और सेलेक्ट बुक, तो बच्चे को जो आपने किताब दी है, जितने भी किताब आपने बच्चे को दी है उसके सामने यहाँ पर इस चेक बॉक्स आप देख रहे होंगे, इसको यहाँ चेक करते चले जाएंगे। और जो किताब आपने बच्चे को नहीं दी है उसको आप नहीं करेंगे, उसको आप ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके पश्चात आप इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा क्लोज और सेव, तो यहाँ आप सेव कर देंगे और सेव करने के पश्चात एक मैसेज आएगा डाटा सेव, यहाँ ओके कर देंगे। इस तरह से बच्चे का डाटा सेव हो चुका है। इसी तरह से लेकिन आप फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे के सामने हरा बॉक्स ही दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेव हुआ है अथवा नहीं। तो डाटा आपका सेव हो चुका है। और दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि यहीं से आप डाटा को पुनः संशोधित कर सकते हैं और उसमें कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं आएगा,
या इसका बॉक्स का कोई भी कलर चेंज नहीं होएगा और आपका डाटा सेव हो जाएगा, बच्चे का डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रत्येक बच्चे का डाटा सेव करते चले जाएंगे बुक्स का। और दूसरा ये कि इसमें यदि आप बच्चे का या पूरे स्कूल का डाटा एक्सपोर्ट डाटा करना चाहते हैं, इस पूरे डाटा को एक पीडीएफ में करना चाहते हैं तो आप, यह एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ आप जाएंगे एक्सेल या प्रिंट में, तो यहाँ आप प्रिंट में जाएंगे को इसमें सॉरी एक्सेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। इसको यहाँ से आप ओके कर देंगे और यहाँ फाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के पश्चात आपको पूरा डाटा यहाँ पर एक्सेल में प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।